के डबोक आदमी निकल गए। हसीना का आगे अपना पुदीना रिलीज नहीं किया, उनको पता था अगर हम पुदीना रिलीज करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि खेसारी लाल यादव पुदीना का चटनी बना के खा ले। काहे से देखा जाए तो खेसारी भाई के गाने में विद इन वन डेज में 7 मिलियन व्यूज हो गए हैं रियल टाइम। वैसे देखा जाए तो 6.9 दिखा रहा है लेकिन वो 7 मिलियन माना जाएगा, और लाइक्स भी 2,72,000, कमेंट भी 82,000। तो कह रहे मतलब कमाल धमाल सब कुछ हो गया इस गाने के साथ में, और रील्स भी धमाधम बन रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये आया जब पिछली बार पवन भैया को गाना आया था घाव दे दे बेकारे, तो उसी के टाइम पे दरा दिया जब गाना रिलीज हुआ था उसी टाइम पे लड़ा दिए थे गाने को। लेकिन इस गाने के साथ बिल्कुल पता था उनको नहीं लड़ाएंगे, नहीं तो मेरा हार पक्का है। अब किस लिए नहीं रिलीज किए साथ में हमको नहीं पता है। अब पुदीना कब रिलीज करेंगे उसका कोनो आता पता नहीं है। मुझे एकदम कंफर्म पता है जब तक ये गाना अच्छे तरीके से मतलब बजने नहीं लगेगा मार्केट में तब तक अपना जो है पुदीना धनिया लेके आने वाले नहीं है पवन भैया। और हमेशा देखा गया है जहाँ पे कॉम्पिटिशन करना होता वहां पे नहीं कॉम्पिटिशन करते हैं, शायद एड वाला पैसा देने से मंजूर नहीं है हमारा जो है म्यूजिक इसीलिए कौन मेरे साथ गाना जो है रिलीज नहीं किया इस टाइम पे। और भैया मार्केट पकड़ लिया है, ये जो गाना आया हसीना मार्केट पकड़ लिया, मस्त बज रहा है और हर एक जगह पे सुनाई दे रहा है। मेरे एरिया में तो भाई बहुत से जगह पे बजता है। और रहेगी पवन भैया गाना तो मुझे नहीं लगता कि पवन भैया कौन गाना आज तक मेरे गाँव में बजा होगा, कोई सुनता ही नहीं है कभी म्यूजिक में, कभी देखता नहीं। और ये ट्रैक्टर वाले घूमते ना गाँव में, ये कभी खेतों जोतने जाते हैं तो वो बजा के चलते हैं, और भाई गाना कभी नहीं सुनते, कसम से झूठ नहीं बोल रहे हैं, कभी नहीं सुनते हैं, ये सच्चाई है। अब चाहे आप लोग रिशिया हो चाहे जो कर रहे हो। लेकिन बात रह गई हसीना की, तो भाई ट्रैक्टर में बज रहे हैं, अभी शादी का सीजन है, ऑर्केस्ट्रा में भी बजा रहे हैं, तो गजब हो जाता है जब खेसारी भाई का गाना हमेशा आ रहा है। और अभी देखा जाए तो दूठो गाना ट्रेंडिंग में आ गया खेसारी भाई, सारे गामा हम भोजपुरी से, तबला अभी एक महीना हो गया लगातार अभी ट्रेंडिंग से नहीं हटा था, दूसरा फिर से हसीना जो है कब्जा कर लिया, ट्रेंडिंग नंबर 11 भी दिखा रहा है, कहीं कहीं पे 1-2 दिखा रहा है, तो अपने अपने लोकेशन के हिसाब से फर्क हो रहा है, तो कमाल हो जाता है। कहने का मतलब बिल्कुल एकदम खुश कर देते हो तेरा, मन करता है कि मतलब पकड़ के, अब छोड़ दीजिए ये ज्यादा हो रहा। तो देखिए आप एक गाना, अब तबला गाना मुझे लग रहा है कि 2-4 दिन के अंदर ट्रेंडिंग से हटेगा, और उसके बाद में हसीना गाना फिर से ट्रेंडिंग में रहेगा 1 महीना तक पूरा, तो कमाल धमाल तो हो ही जाता है। तबला भी बज रहा है, हसीना भी आ गया, अभी नागिन वाले आने वाला है, स्पीड रिकॉर्ड से भी गाना आने वाला है, तो कहने मतलब काफी किस टाइम मार के होने वाला क्या गौड़ा, जब कुल गाना जितना लोग ने तैयारी कर रहे हैं उससे ज्यादा तो ब्लास्ट हो रहा है खेसारी भाई का। तो देखते हैं अब अगला गाना कब आता है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही है ससुर, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक ले नमस्ते बाय टाटा। और कहना ये चाहते हैं इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो मारो TK7 भोजपुरी, मैसेज करो गरियारा नहीं है बिल्कुल वहां पे, चलते आज के लिए इतना है, नमस्कार।